इसे देख रहे हैं, कुछ स्मरण हुआ आपको? आपके बालपन का स्मरण करवा दिया ना इस पहिए ने। कदाचित कोई बालपन में ऐसा होगा जिसने ये खेल ना खेला। हाँ, इस पहिए का आकार एक सिक्के जितना या इससे बड़ा हो सकता है, परंतु ऐसा कोई नहीं जिसने खेल ना खेला। इसे गोल गोल घुमाते रहना, निरंतर चलाने का प्रयत्न करना, कितना आनंद आता था ना। हमें उन पहियों के खेल से मिले मनोरंजन का आनंद स्मरण हो आता है, परंतु उन पहियों के खेल से बालपन में मिली सीख हम अधिकतर भूल जाते हैं। और वो सीख है सदैव गतिमान रहना। उस खेल का केवल एक ही तर्क होता था, यदि उसे संतुलित रखना है, यदि उस पहिए को गिरने नहीं देना, तो उसे निरंतर गतिमान रखना होगा। और यही जीवन है। जीवन में यदि सुख दुख, हानि लाभ, आनंद और कष्ट का संतुलन बनाए रखना है, तो सदैव गतिमान रहिए। किसी एक कष्ट, किसी एक दुविधा के पल में ठहर के ना रह जाओ, कर्म करते रहो। विचार कीजिएगा। इतना विलंब क्यों किया तुमने आने में? मैं कब से अपने पुत्र के समाचार की प्रतीक्षा कर रही हूँ, अब मौन क्यों खड़े हो? बताओगे भी? सारे योद्धा अब तक क्यों नहीं लौटे? कुछ बोलो। माताश्री, बात माताश्री, आप यहां? देखिए माता, सारे योद्धा लौट आए और आर्य भी लौट आए। को तो नहीं ला पाए उतरा, परंतु उसकी ओर से एक संदेश लाए हैं। उत्तरा से कहना कि उसके पास मेरी संतान को सुनाने के लिए एक महान कथा है। उत्तरा,
शूरवीर का स्वागत आंसुओं से नहीं अभिषेक से किया जाता है। यात्रा पे जा रहे हैं आर्य, यात्रा सुखद हो। मेरी शुभकामनाएं हैं कि उस लोक में आपकी कीर्ति अक्षय। इंद्र स्वयं आपकी आरती उतारे। मैं एक वीर की वीर गति को श्रद्धांजलि देने आया हूं। एक बाप का पश्चाताप करने आया हूं मैं। पश्चाताप नहीं, प्रतिघात होगा। कौरव ने नियम भंग करके सीमा तोड़ी है और अब मैं इस महायुद्ध में बनाए हुए सारे नियम त्यागता हूं। हेलो भीम, ये मत भूलो कि हम पांडव हैं, कौरव नहीं। धन्यवाद अंगराज कि आपने हमारे पुत्र को पीड़ा से मुक्त किया, परंतु अब हमें सहानुभूति की आवश्यकता नहीं। मैं यहां सहानुभूति देने नहीं आया हूं, मैं यहां एक महान पुण्य की अनुभूति लेने आया हूं। अभिमन्यु जैसे शूरवीर की अर्थी को कांधा देने आया हूं। इस पुण्य से मुझे विरक्त मत कीजिए धर्मराज। ये युद्ध है युधिष्ठिर, और युद्ध में स्थिर रहना तुम्हारा धर्म है। तुम्हारे नाम का अर्थ है। अंगराज ने भी इस युद्ध में अपने पुत्र को खोया है। वो यहां अपना दुख बांटने आए हैं।
अपनी पीड़ा काटने आए हैं। अंगराज को आने दो युधिष्ठिर। कुल की तीसरी पीढ़ी का नाश हुआ है महाराज, ये ठीक नहीं किया दुर्योधन ने। माना जो हुआ वो अनुचित था गांधारी, परंतु इन सब का कारण अभिमन्यु स्वयं ही था। यदि वो दुर्योधन का अपमान ना करता तो आज ऐसा कदाचित ना होता। नहीं स्वामी, मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, परंतु हस्तिनापुर का जलता हुआ भविष्य मैं स्पष्ट देख सकती हूँ। ऐसा आभास हो रहा है मानो अभिमन्यु की चिता की जलती हुई अग्नि समूचे कौरव वंश को भस्म कर देगी। अंतिम विधि आरंभ करो। लड़ा था मेरा पुत्र तो
ऐसे जैसे अंधकार से सूर्य लड़ता है और पूर्ण रूप से उनका अंत कर देता है। एक अद्भुत तेज था आपके वीर पुत्र में और उनका सारथी होना मेरे लिए गर्व की बात है। जब 6-6 योद्धाओं ने अभिमन्यु पर आक्रमण किया तो उसने क्या कहा था भ्राताश्री? उसने कहा कि महान धनुर्धर अर्जुन के पुत्र और महानतम योद्धा वासुदेव कृष्ण के भांजे का स्वागत, ऐसा ही होना चाहिए। जब आपने उसे भीतर जाने से रोका था ज्येष्ठ, तब उसने क्या कहा? एक योद्धा मृत्यु के भय से पीछे नहीं हटता था श्री, वो आगे बढ़कर मृत्यु का वरण करता है और आज मृत्यु को भी अर्जुन पुत्र के बाणों का तेज सहना होगा। मैं इस चक्रव्यूह में आया हूं ताकि पांडवों का सर गर्व से उठा रहे और विश्वास कीजिए ताक्षरी, यदि मेरा सर भी कट जाए तब भी आपका सर गर्व से उठा रहेगा। दुर्योधन के सामने दुर्जय बनकर खड़ा था हमारा पुत्र अभिमन्यु। कहा था ना मैंने काकाश्री, जब जब मिलूंगा वस्त्र हरण करूंगा। आप सब उसकी रक्षा के लिए भीतर क्यों नहीं जा पाए? जयद्रथ के कारण, क्योंकि उसे वरदान था कि वो आज नहीं मरेगा। उसने हम में से किसी को अंदर भीतर नहीं जाने दिया, वही कारण अभिमन्यु की मृत्यु का। ये चिता नहीं जलेगी। बल्कि कल दो चिताएं जलेंगी। मैं कौंते अर्जुन अपने अभिमन्यु के अंश की सौगंध लेता हूं कि कल सूर्यास्त होने से पूर्व मैं जयद्रथ का वध करूंगा। कल या तो जयद्रथ के साथ अभिमन्यु की चिता जलेगी, अभिमन्यु की चिता में उसके साथ मैं जीवित चलूंगा। मेरा प्राण अर्जुन का प्राण। We'll be right back.
युद्ध की रणनीति किसी को बताई नहीं जाती अंगराज, परंतु मैं बता रहा हूं। मेरी ओर से यह संदेश कौरवों तक पहुंचा देना। छिपा सकते हैं तो छिपा लें जयद्रथ को, क्योंकि कल मैं उसे पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा और सूर्यास्त होने से पूर्व मैं उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। ये अर्जुन का प्राण है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.